नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्य ट्रेडिंग टिप्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये देखिए, मैंने ट्रस्ट वैलेट ओपन किया हुआ है और मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वैलेट से आप मिनिमम 5,000 रुपये कैसे पर डे का रोज कमा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है तो आप डेली का अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रस्ट वैलेट पे एक वैलेट बना लेना है, मल्टी कॉइन वैलेट के नाम से है। सबसे पहले आपको यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन है, यहाँ पे कॉइन ऐड कर लेना है। चाहे आप वेजरक से यहाँ पे भेज सकते हैं, बेनान से भेज सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज से आप यहाँ से बाई करके BNB यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट अपने आप भेज लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो चलिए आप देखते हैं, सबसे पहले आपको जाना कहाँ भी है। यहाँ पे देखिए DApps का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप जाइए। यहाँ पे आप देखिए एक सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पर सर्च करिए। क्या सर्च करना है आपको? पैनकेक स्वैप, या तो आपको यहाँ पे ये वाला आइकन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। चाहे आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए पैनकेक स्वैप। आपने पैनकेक स्वैप टाइप कर दिया, इसको आप सर्च करेंगे तो ये गूगल पे आपको लेके जाएगा। पैनकेक स्वैप देखिए यहाँ पे आ गया, पहला वाला लिंक आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे वैलेट कनेक्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। बाय द वे, हो सकता है आपका ये डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो। फिर देखें यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, और यहाँ पे आपको इथेरियम का सिंबल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो BNB स्मार्ट चेन दिख रहा है, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर से बैक आ गया तो आपको यहाँ पे पैनकेक स्वैप पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा वैलेट कनेक्ट हो चुका है, जो मेरे वैलेट का एड्रेस है लास्ट का 5E26 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट होता नज़र आ रहा है। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है, अर्न का ऑप्शन दिख रहा है, विन एंड NFT दिख रहा है। सबसे पहले आपको अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको फार्म एंड पूल्स का ऑप्शन दिखेगा, फार्म पे आप जाइए। बेसिकली यहाँ पे फार्म का मतलब ये है, जैसे खेती करना होता है, आप खेती करिए, बीज डालिए, उसके बाद आपको उपज मिलता है कुछ टाइम बाद। बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ टोकन यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे और आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से टोकन आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, इसमें कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। केक और BNB है, दो कॉइन का पेयर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। केक होना चाहिए आपके पास वॉलेट में और BNB होना चाहिए। फिर आपको रिटर्न कितना मिलेगा आप यहाँ पे देखिए, 42%। ये 42% जो है वो APR है, यानी एनुअल परसेंटेज रिटर्न आप कह सकते हैं। साल भर का ये 42% आपको मिल रहा है। और रिटर्न क्या मिलेगा आर ने, आप यहाँ पे देखिए, केक कॉइन मिलेगा प्लस फीस मिलेगा, और दोनों मिला के आपको क्या हो जाएगा, कितना रिटर्न, 42% का। कैलकुलेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेटर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, छोटा सा कैलकुलेटर यहाँ पे दिया गया है ये वाला, इस पर आप क्लिक करिए और आपका पूरा कैलकुलेट होके बता देगा कि भैया कितना कितना आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखिए $100 लगाते हैं, मैंने यहाँ पे $100 कर दिया। उसके बाद यहाँ आप यहाँ पे एक दिन के हिसाब से कर सकते हैं, 7 दिन का, 30 दिन का और 1 साल का कर सकते हैं। 5 साल का भी यहाँ पे प्लान दिया गया है, यानी आप एक दिन में भी निकाल सकते हैं, 7 दिन में भी निकाल सकते हैं, 30 दिन में भी निकाल सकते हैं, जब मर्जी आपका पैसा निकाल लीजिए, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। और आप यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग एवरी 1 डे, 7 डे, 14 डे एंड 30 डे, आप जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप जो है कि इसको 1 पे ही सेलेक्ट करने दीजिए। कहने का मतलब आपका हर दिन के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो आप एक दिन के अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दिन के बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा, फिर अगले दिन भी उसका भी ब्याज आपको जुड़ जाएगा, तो इस तरह से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप 7 दिन करेंगे तो 7-7 दिन पर आपका रिटर्न मिलेगा, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 दिन पे किया, और यहाँ पे मेरा कितना 1 साल का है, तो मेरे $100 पे जो रिटर्न मिलेगा मुझे, देखिए मैंने यहाँ पे $100 डिपॉजिट किया हुआ है और मुझे जो रिटर्न मिल रहा है $47 का। अगर मैं इसका जो कंपाउंडिंग 7 दिन पे कर देता हूँ तो $47.53 मिल रहा है, और 14 दिन पे कर देता हूँ $47.32 मिल रहा है, यानी मेरा जो रिटर्न है वो कम होता जा रहा है। तो अच्छा ही आपके लिए, आप 1 दिन पे सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 5 साल के लिए कर देते हैं तो यही $100 आपको कितना रिटर्न दे रहा है, $603। टोटल आप देखेंगे 603% का रिटर्न आपको 5 सालों में मिल रहा है, और आपने कितना डाला है, $100। आप इसको जब मर्जी आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आपको ये रिटर्न मिलेगा वो केक कॉइन में मिलेगा, यानी केक कॉइन की वैल्यू अगर 5 साल में डबल हो गई तो ये $600 है वो $1200 हो जाएगा, 5x हो गया, तो आपका समझ लीजिए $3000 हो गया, $100 लगाया हुआ $3000 आपका हो गया, तो ज़बरदस्त इनकम है आपकी। अगर यहाँ पे 1 दिन भी आप कर सकते हैं,
और एक दिन में जो आपको रिटर्न मिलेगा $100 पे $0.11 का केक कॉइन आपको मिलने वाला है। और भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो APY है यहाँ पे 26% का आपको साल भर का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 202% है, यानी एक महीने का अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 7% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है, महीने का 7%। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे Bcoin इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, जो कि हो सकता है कि रेट ज़्यादा डाउन हो जाए तो आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जो केक कॉइन है वो पैनकेक स्वैप का कॉइन है, जो कि एक वैल्यूएबल कॉइन है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और आपको आने वाले टाइम में रिटर्न भी देगा, तो आपका रिटर्न जो है ज़्यादा हो जाएगा। बाकी और भी आपको यहाँ पे पेयर देखने को मिलते हैं, इस पर आपको 136% साल भर का रिटर्न है, 199% है, 83%, ये रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ वो सिर्फ इन्हीं दो जो पेयर हैं, आपको केक BNB का और BUSD BNB का। रिटर्न हालांकि कम है लेकिन यहाँ पे लॉस होने का जो चांस है वो बहुत ही न के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी अगर आप तो टोटल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। आप यहाँ पे देखिए $28 करोड़ के आसपास है, इसकी अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे जो दूसरे वाले की है तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा दिखेगा, 39 करोड़ लिक्विडिटी के आसपास, यहाँ पे लगभग 40 करोड़ की, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है, तो आपका जो रिस्क है बहुत ही कम हो जाता है, प्रॉफिट फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देखेंगे पर डे का तो $0.11 है, और महीने का अगर आप देखेंगे 3% से ऊपर का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। अब सिंपली आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए इनेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके वैलेट में आपके पास केक कॉइन और BNB कॉइन दोनों होने चाहिए, जितना वैल्यू का केक कॉइन होगा उतने वैल्यू का आपका BNB कॉइन होगा, तो ही आप पे आपको डिपॉजिट करने का मौका मिलेगा, दोनों आपको इक्वल करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे वैलेट में अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। अब देखिए और अर्निंग के ऑप्शन क्या आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, पूल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तीन आपको मैं तरीके यहाँ से बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। पूल पे आप जाके यहाँ पे भी आप स्टेक कर सकते हैं, कौन कौन से कॉइन स्टेक कर सकते हैं इस वाले को मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप ऑटो केक वाला कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली में आपका ये होगा कि आप डेली आपको यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो अगर आप ऑटो पे करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जितना भी रिटर्न अगले दिन आएगा वो पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर अगले दिन जो रिटर्न आएगा वो भी ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए साल भर का 64% रिटर्न मिल रहा है, यानी अगर आप महीने के हिसाब से देखेंगे तो 5% से ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ से मिल रहा है। 1 लाख की वैल्यू का अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हो तो महीने का आप देखेंगे तो आपका 5-5.5 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पे आपको करना क्या है, केक कॉइन आपको स्टेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो आपका केक कॉइन है परमिशन मांगेगा, आपका यहाँ पे जितना भी आपको डिपॉजिट करना होगा वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे इसको और भी अच्छे तरीके से बताइए तो अगले वीडियो में आपको वो भी अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्निंग का, यहाँ से वो आप यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाके देखिए एक लिक्विडिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप जाइए। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट अ करेंसी है, नीचे भी सेलेक्ट अ करेंसी है, यहाँ पे आपको दो करेंसी का पेयर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ BNB और नीचे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ केक, ये मैंने नीचे सेलेक्ट कर लिया केक कॉइन। अब आप यहाँ पे लिक्विडिटी में करना क्या है कि मान लीजिए जो भी आप स्वैपिंग करते हैं पैनकेक स्वैप पे जाके, BNB से आप कोई भी कॉइन बाई करते हैं वो होता है स्वैपिंग, और लिक्विडिटी उसमें डिपॉजिट होती है, और वहाँ से इस वजह से आपका कॉइन बाई और सेल कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो जाते हैं, और जो भी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया हुआ है उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज दैट जैसे कि एक एक्सचेंज होता है वहाँ पे आपको दो करेंसी का पेयर डिपॉजिट करना होता है, मान लीजिए आपने डॉलर और INR डिपॉजिट किया, तो किसी को अगर चाहिए होगा डॉलर तो INR वहाँ पे डिपॉजिट करेगा और वहाँ से जो है वो डॉलर निकाल लेगा, अगर डॉलर अगर सेल करना होगा तो वहाँ डॉलर डिपॉजिट करेगा और INR वहाँ से निकाल लेगा। तो बिल्कुल उसी तरह का आप यहाँ पे स्वाइपिंग करते हैं, एक कॉइन के बदले दूसरा कॉइन रिसीव करते हैं, उसके बाद वो डिपॉजिट करेंगे तो पहला वाला कॉइन आपको रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, एक तरह से इन्वेस्टर होते हैं, उनको जब भी आप बाई और सेल करते हैं तो एक फी कटता है आपका, वो फी उन्हीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं उनको डिपॉजिट हो जाता है, उनको एक तरह से इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है। उसी तरह से आपने यहाँ पे दो कॉइन सेलेक्ट किया, BNB और केक कॉइन,
अब दोनों की बराबर मात्रा में आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए यहाँ पे अगर BNB आपने 5 डाला तो ऑटोमेटिक जितना भी केक क्वाइन होगा 5 BNB के बदले वो 17 क्वाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पे जो आपका शेयर बनेगा पूल में, यानी जितने भी लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें आपका कितना शेयर हो रहा है, जितना आपका शेयर रहेगा और जितना बाइंग और सेलिंग में जितना भी फी कटता है उसका आपको उतने शेयर के हिसाब से रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.17% का हर बार जब भी आप बाइक करते हैं तो इतना परसेंट का आपका चार्ज कटता है, जब भी आप सेल करते हैं तो इतना परसेंट का आपका चार्ज कटता है। ये चार्ज जो कटता है वो जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं उनको उनके खाते में डिपॉजिट हो जाता है। अब इस तरह से अगर आप यहाँ पे 5000 BNB कॉइन अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो 5000 BNB कॉइन के साथ साथ आपको 217,247 के कॉइन भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो आपका शेयर बनेगा कितना शेयर होगा, 1.65% शेयर होगा। और मान लीजिए कि अगर टोटल फी जो यहाँ पे डिडक्ट होता है 1,00,000 रुपये तो आपका 1,650 रुपये आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी जब भी आप यहाँ से लिक्विडिटी अपना रिमूव करेंगे तो आपके साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट बना था वो भी साथ में आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें आपका कहीं से भी घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो BNB और के कॉइन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपका जो है डिपॉजिट जो आपने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया हुआ है वो कभी भी आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पैसा फंसेगा नहीं आपका यहाँ पे, जब भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, जितने समय के लिए आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया उतने समय के लिए आपका रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ पे हम कर सकते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे इनसफिशियंट केक बैलेंस दिखा रहा है, अगर मेरे वॉलेट में दोनों कॉइन अवेलेबल होता तो मैं यहाँ पे स्वैप कर देता तो मेरा जो है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड मैं कर देता इस लिक्विडिटी पूल में, और जो भी स्वैप करता है यहाँ से जितना भी उसका चार्ज करता वो मेरे खाते में मेरे शेयर के हिसाब से डिपॉजिट हो जाता। जब भी मैं यहाँ से लिक्विडिटी अपना रिमूव करता साथ में मुझे वो कॉइन साथ में उतना मुझे इंटरेस्ट भी मेरे वॉलेट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अगर अपने ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपने क्वाइन रखा हुआ है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इन सब पूल में या फिर जो आप फार्मिंग कर रहे हैं या फिर आप जो है स्टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप डिपॉजिट करिए, और यहाँ पे आपका लो रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ट्रस्ट वॉलेट में रखने से अच्छा है आप यहाँ पे अपना अर्निंग कर सकते हैं डिपॉजिट करके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।